बीजेपी ने 1 लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज सिंह शाख्या को उतारा है। आपको ये बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा से डिंपल यादव और बीजेपी से रघुराज शाख्या के बीच सीधी टक्कर होगी। इटावा के रघुराज शाख्या को शिवपाल यादव का बेहद करीबी माना जाता है। रघुराज शाख्या सपा से 2 बार सांसद रह चुके हैं और विधायक भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश सक्सेना को टिकट दिया है, जबकि मुजफ्फरनगर की खलौती सीट से राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीजेपी ने राजस्थान की सरदार शहर सीट से अशोक कुमार पिंचा को उतारा है। पार्टी ने बिहार की कुरहानी सीट से केदार प्रसाद गुप्ता और छत्तीसगढ़ की भानु प्रताप सीट से ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया है।